नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। अगली खबर में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बिलासपुर में बच्चों का एक टीचर के प्रति लगाव ऐसा कि उनका ट्रांसफर होते ही गुस्सा फूट पड़ा और छात्राएं सड़क पर उतर आईं। स्टूडेंट ने कलेक्टोरेट का घेराव कर टीचर का तबादला आदेश निरस्त करने की मांग करने लगे। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर का प्रायोजित आंदोलन बताकर उल्टा छात्राओं को फटकार लगाना शुरू कर दिया। तब अपनी सफाई देते हुए छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी। मामला सीपत इलाके के सरकारी गर्ल्स स्कूल का है। छात्राओं ने बताया कि उनके स्कूल में 9 व्याख्यात और 3 विज्ञान सहायक टीचर हैं। उनके साथ टीचर अजय कुमार तम्रकार भी स्कूल में पदस्थ हैं, जो एक साथ 2 क्लास की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और 5-5 पीरियड लेते हैं। उनके भरोसे ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है, बाकी के टीचर अपने अपने हिसाब से क्लास लेते हैं। ऐसे में उनका तबादला अब कोटा ब्लॉक के चपोरा स्कूल में कर दिया गया है। वो पढ़ाते थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। नेहरू चौक से कलेक्टोरेट पहुंची छात्राएं मेन रोड में भटक रही थी और कलेक्टर ऑफिस का पता पूछ रही थी। छात्राओं ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि तिमाही परीक्षा होने वाली है और स्कूल में पढ़ाने वाले इकलौते टीचर का बिना किसी वजह ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने इसकी जानकारी अपने पेरेंट्स को दी, तब उन्होंने कलेक्टर से शिकायत करने की सलाह दी। बच्चियों ने कहा कि पेरेंट्स के कहने पर सभी यहां आई हैं। छात्राओं ने बताया कि उनकी भीड़ देखकर डीईओ डीके कौशिक उनसे बात करने आए थे। आते ही उन्होंने छात्राओं से कहा कि तुम लोगों को टीचर ने ऐसा करने को बोला है और यहाँ भेजा है। उनकी बातों को सुनकर छात्राओं ने विरोध किया और अपनी समस्याएं बताना शुरू किया। तब डीईओ कौशिक भड़क गए। हालांकि बाद में उन्होंने छात्राओं को आवेदन पत्र देने की बात कही। इसके अलावा डीईओ ने कहा कि बच्चों का आरोप बेबुनियादी है, सभी टीचर पढ़ा रहे हैं जिनका तबादला किया गया है, उनकी जगह किसी और को ले आएंगे। कलेक्टोरेट पहुंची छात्राओं ने कहा कि स्कूल में पदस्थ टीचर अजय कुमार तम्रकार अकेले स्कूल को संभाल रहे हैं। स्कूल में बाकी के टीचर को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, जबकि अजय सर अकेले कई कक्षाओं को संभालते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। उनका ट्रांसफर होने के बाद स्कूल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। रो मत कैसे निकाल के हम अपने टीचर को पकड़ने के लिए कैसे निकाल के हम लोग आंसर सिर्फ ऐसी बात हो रही है। नहीं हो जाएगा आपको मालूम नहीं सर, अभी सर टीचर आ गए सर।